आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल किए हैं, और जब भी आपको आलू के पराठे बनाने हैं तो उससे काफी देर पहले आप आलू के आलू बॉईल कर लीजिए। ये मैंने दिन को ही बॉईल कर लिए थे और मैंने फ्रिज में भी रख दिए थे। अब देखिए, अब इसे ग्रेट करते हैं। इसे हाथ से मत फोड़िए, इसे ग्रेट कीजिए। और आलू की क्वांटिटी काफी होनी चाहिए, स्टफिंग अच्छी मात्रा में हो तभी अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। अब देखिए इसमें हम क्या क्या डालेंगे। इसमें हम कटे हुए प्याज डालेंगे, और अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो ना डालिए, पर प्याज का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। थोड़ी सी लाल मिर्च, नमक, हरा धनिया, और मैं ये अमचूर डाल रही हूं। आप अमचूर के बदले अनारदाना भी डाल सकते हैं, और इसे अच्छे से मसलिए। और इसका नमक चख लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका आलू का पराठा बन गया और आप तब आपको पता चले कि नमक कम था, तो इसीलिए पहले से नमक चख लीजिए। ये देखिए फिलिंग तैयार हो गई। अब हम आलू का पराठा बनाएंगे। ये मेरा आटा गुथा हुआ है। कभी भी आपको रोटी या पराठा कुछ भी बनाना हो तो कम से कम पहले एक घंटे पहले से आटा गूंथ के रखिए। अब देखिए हम इसके इतने बड़े बड़े, आप देख रहे हैं, इतने बड़े हमने गोले बनाने हैं हमें। और जो फिलिंग, अब इसके बाद हम फिलिंग के गोले बनाते हैं। फिलिंग का गोला इससे बड़ा होना चाहिए। ये देखिए, ये है हमारा आटे का पेड़ा और ये है हमारी फिलिंग। देखिए इससे ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका पराठा टेस्टी लगेगा। तो देखिए, ये मैंने आटे के चार पेड़े रखे हुए हैं, आटे की लोइयां, और ये रखी हैं चार मैंने फिलिंग्स के गोले बना के। और ये है घी, ये रहा मेरा सूखा आटा, और ये रहा मेरा लोहे का तवा। आप आलू का पराठा या कोई भी पराठा हमेशा किसी भारी तवे पे ही बनाइए। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पलथन लिया, बीच में थोड़ा घी लगाएंगे। आप इसे तेल में भी बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने फिलिंग रख दी है। अब इसे हम ऐसे ऐसे करके, ये देखिए, ये ऐसे दबा देते हैं। आपने देखा, आटे की लोई से करीब करीब दुगना मसाला था। और यहां मैंने तवा धीमी आंच पे ऑन कर दिया है, ताकि जब तक मेरा ये पराठा बिले, मुझे तवा तैयार मिले। ये देखिए, हल्के हल्के हाथों से बिलते हैं, किनारों पे भी बिलते हैं, नहीं तो कई बार किनारे मोटे रह जाते हैं। और अगर आपका थोड़ा फिलिंग हल्की सी बाहर निकलती है तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बल्कि वो तेल के साथ मिलके वो बड़ा क्रिस्पी सा टेस्ट देता है। ये देखिए, बेल लिया मैंने तवा, ये रहा तवा। इसे मैं देखती हूं गर्म हुआ है कि नहीं, भाप आ रही है, ये लीजिए, इस पे मैं ये डालती हूं। पहले एक बार दोनों तरफ से हल्का सूखा सेकते हैं। ये देखिए, मैंने इसे पलट दिया है और अभी इसमें घी तेल कुछ नहीं लगाया है। अब हम इसमें लगाना शुरू करते हैं, थोड़ा साइड में डाल देंगे।
थोड़ा सा ऊपर, हल्का हल्का दबाते रहेंगे। तेज कर देंगे धीरे था। मैं इसको पलट रही हूं, ये देखिए कितना सुंदर सिख रहा है। आप ये पराठा बनाइए घर में, देखिए दिल्ली की जो वो पराठे वाली गली है उसकी याद आ जाएगी आपको खा के। देखिए देखिए ये पराठा हमारा सिक गया है। अब हम इसको प्लेट में सजाएंगे। चलिए इसे प्लेट में निकालते हैं और सजाते हैं। तो देखिए मैंने पराठे की प्लेटिंग कर दी है। ये है हमारा आलू का पराठा, ये अचार, मक्खन, हरी चटनी और ये दही। अब इसके साथ आप खाइए और बनाइए, खाइए और अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।